विधायक जी, जिस तरीके से सांसद जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, दो दो मुकदमे दर्ज हुए, पांच मुकदमा दर्ज हुआ, कैसे देखते हैं इससे, किन लोगों की साजिश है, क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। आदरणीय नेताजी के बारे में, वैसे वो हमारे पिता तुल्य हैं, हम लोग शुरुआती दौर से जानते हैं। कोई भी ऐसा जो भी आरोप लगाया गया है एकदम निराधार है, और जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा। पहले भी कमेटी ने जांच किया है, उसमें कुछ नहीं आया है। पिछले डेढ़ दशक से ये इसी पद पे आसीन है, अब तक इस तरह का मामला, इस तरह का आरोप क्यों नहीं लगाया गया? आज ये कांग्रेस कर रही है, ये कुछ उद्योगपति कर रहे हैं, ये उनका षड्यंत्र है। क्या वजह? वजह लोकप्रियता, जनप्रियता। आदरणीय नेताजी के बारे में आपको पता होगा, पूर्वांचल में उस कद का कोई नेता नहीं। अच्छा, जैसे कि WFI का भी चुनाव होने जा रहा था, 2024 का चुनाव है, उसके पहले इस तरह की चीजें। हाँ, यही सब षड्यंत्र है। अनवरत लगातार जनता के बीच में रहकर 40 वर्षों से नेताजी का जो त्याग तपस्या रहा है, उस पर चोट की जा रही है, और ये कांग्रेस की देन। जिस तरीके से माइनर के साथ मुकदमे दर्ज हुए, पासपोर्ट के तहत दर्ज हुए, कैसे देख रहे हैं इसकी कितनी बड़ी साजिश है? नहीं, वो एकदम साजिश है, सब कांग्रेस की साजिश है, कुछ उद्योगपतियों की साजिश है, कुछ राजनीतिक विरोधियों की साजिश है, अभी कुछ नहीं है। वो खिलाड़ियों का धरना नहीं, वो प्रायोजित कार्यक्रम है। वो कुछ उद्योगपति, कांग्रेस का, इनका सबका एक प्रायोजित कार्यक्रम है, किसी खिलाड़ी का धरना नहीं है।